एक बार की बात है, एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। राधा व्यापार के सिलसिले में शहर जाती थी। एक दिन राधा व्यापार करके शहर से लौट रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक पेड़ पर बैठ गई। ये पेड़ एक बहुत ही चमत्कारी पेड़ था। वह पेड़ किसी और की आंखों को दिखाई नहीं दे सकता था, क्योंकि उस पेड़ पर एक राक्षस रहता था और वह शहर से लौटा था। जब राधा पहुंची तो वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए राधा ने आराम करने का फैसला किया और एक उपयुक्त जगह ढूंढी। राधा एक पेड़ के किनारे लेट गई और बहुत दूर तक चली गई। राधा बहुत प्यासी थी। इस पेड़ में कुछ खास था। तुम मन में जो भी कहोगे वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। अधिक प्यास सहन न कर पाने के कारण राधा ने अनजाने में कहा, ओह मुझे प्यास लगी है, मैं नहीं पी सकती। अगर मुझे थोड़ा पानी मिल जाए तो मैं पी सकती हूँ। राधा ने डे के सामने ही ढेर सारा खाना और फल खाए। तुरंत ही राधा को कुछ संदेह होने लगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कुछ समस्या है। राधा बहुत थक गई थी और उसे पता ही नहीं चला, और वह सो गई। जब राधा सोकर उठती है तो वह पिछली घटनाओं के बारे में सोचती है। अरे यहां तो दिक्कत है, राधा कहती रही। क्या दिक्कत है? तुरंत ही भूत प्रकट हो गया और यही समस्या थी। राधा डर के मारे चिल्ला उठी, अरे मुझे बचा लो। यह कहकर भी राधा वहां से भाग गई